करंट सिनारियो जो इलेक्शन का है उसमें ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है कि मुस्लिम का पर्सपेक्टिव क्या होगा और मुस्लिम का स्टैंड क्या होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को उनको सपोर्ट करना चाहिए और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से उनको अपना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि बिकॉज़ हमने जो 5 सालों में बीजेपी की पॉलिसीज़ और बीजेपी की हुकूमत देखी है उसमें लिंचिंग से लेके जो भी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स काफ़ी मुस्लिम लोगों ने फेस किया है, तो लोगों को लगता है कि हमें बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस को वोट देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ एज अ कम्युनिटी पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लोकल इश्यूज़ को कौन सॉल्व कर सकता है और उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के। क्या वो हमारे साथ डायलॉग में एंगेज होना चाहते हैं, क्या वो हमें ऑब्लाइज ना करें लेकिन वो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के, उसमें हमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी कम्युनिटी को खुद एम्पावर करें। ये हमारे लिए मेन इश्यू होना चाहिए। और तीसरी बात है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम सेक्युलर कंट्री में हैं तो हमें किसी का अपीजमेंट को इनक्रेज नहीं करना चाहिए। वो हम ये चाहते हैं ना मुस्लिम का अपीजमेंट हो ना हिंदूज का अपीजमेंट हो। मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, पहली बात है कि वो लोकल इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बेस्ड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक मॉडल बनाएं जिसमें लोकल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे उस पर फोकस करें, न कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ के उनके एजेंडा को आगे लेके जाएं और उसके बाद हमारे लोकल इश्यू और लोकल प्रॉब्लम्स को भूल जाएं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो यूथ हैं उनको, और दूसरी बात हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि कई जो पॉलिटिकल लोग जो कांग्रेस या सेकुलर पार्टीज से आते हैं वो काफ़ी मुस्लिम वोट्स के वजह से आते हैं, तो हमें अपने वोट का पावर को समझना चाहिए और अगर हम लोग किसी को जिता सकते हैं तो वैसे ही हमारे में से भी कोई जीत सकता है।